आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे पहले ना हम तीन किस्म की चीजें कर चुके हैं। एक हम कर चुके हैं जिसे हमने कहा था एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास y मिसाल के तौर पर एक सब्जेक्ट बना हुआ होता है और x की जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, लॉग की फॉर्म में हो, वो सब कुछ राइट साइड पे होता है और आपका जो y होता है वो एज अ सब्जेक्ट आपको लेफ्ट साइड पे नजर आता है। तो ये वो फंक्शन होता है जिसमें y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। तो y डिफाइंड होता है इन टर्म्स ऑफ x। फिर पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक और तरह के भी फंक्शंस होते हैं जिनको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। ये फंक्शन असल में वो फंक्शंस थे जिसमें y और x आपस में मिक्स थे और इस तरह मिक्सड होते हैं कि आप y को अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो आप क्या करते हैं कि फिर उसको उसी तरह से डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx आप उसमें से निकालते हैं। तो आज हम उससे एक स्टेप और आगे जाएंगे और हम यहाँ पर आज पैरामेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके अंदर एक पैरामीटर इन्वॉल्व होता है और x और y दोनों उसी पैरामीटर की फॉर्म में डिफाइंड होता है। x एंड y आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये एक सिंपल एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर लिखा हुआ है x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 6, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके अंदर x और y आपस में इन्वॉल्व है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t प्लस 5, अब ये जो तीसरा मैंने लिखा है ना, ये हमारा आज का टॉपिक होगा कि जिसके अंदर x और y आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक नहीं होते लेकिन वो दोनों किसी एक और पैरामीटर की फॉर्म में डिफाइंड होते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में कोई पैरामीटर इन्वॉल्व होता है और x और y उस पैरामीटर के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। जैसे अभी जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो पैरामीटर है ना वो यहाँ पर उसको एज अ टी यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये टी भी हो सकता है, यू वी कोई भी लेटर हो सकता है एक्स वाई के अलावा, ये चीज कहलाती है पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब देखें पैरामेट्रिक फंक्शंस में मिसाल के तौर पर ये जो है ना कुछ पैरामेट्रिक फंक्शंस है, x इज इक्वल टू टी क्यूब वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दूसरा सेट है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी, और ये तीसरा भी पैरामेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे भी पैरामीटर ही इन्वॉल्व हो रहा है टी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो फंक्शन कोई भी आ सकता है, असल चीज ये होगी कि उसके अंदर ना वो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी और पैरामेट्रिक फंक्शन आपको गिवन होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 2t, तो ये आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ये इक्वेशन 2 हो गई। हमने क्या करना है, कह रहे फाइंड dy अपॉन dx इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर t। अच्छा, अब dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इक्वेशन 1 को कंसिडर करेंगे
एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर और इसकी दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल या पैरामीटर डिफरेंशिएट होगा वो टी होगा, तो आपके पास ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी। और यहाँ पर उसी तरह से ऑपरेटर पहले पावर पे अप्लाई होगा, पावर कोफिशिएंट बनेगी, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट होगा और ऑपरेटर मूव होगा बेस के लिए जिस पे पावर लगी थी। अब डी अपॉन डी टी ऑफ टी सिंपल टी तो वो तो वन ही आ जाएगा, तो आपके पास टू टी इंटू वन यानी टू टी इसके डी एक्स अपॉन डी टी का आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह आपने डी अपॉन डी टी अप्लाई करना है इक्वेशन टू पे भी। इक्वेशन टू में लिखा है वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस टू टी, हम इसके भी दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और ऑपरेटर जब कांस्टेंट पे अप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू के साथ ऑपरेटर टी पे अप्लाई होगा डी अपॉन डी टी ऑफ टी, तो जाहिर है कि उसका आंसर वन आ जाएगा। तो आपके पास डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस टू, ये आपके डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया इक्वेशन टू के लिए। अब देखें हमें ओरिजिनली फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना आसान होता है अगर इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स डिफाइंड हो, या आपके पास एक्स वाई आपस में मिक्स होकर इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन में आ जाए तो आप डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास पैरामीटर आएगा तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली नहीं फाइंड करेंगे, आप पहले पैरामीटर की फॉर्म में एक्स वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर पैरामीटर की फॉर्म में ही वाई वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पहले आप फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी। तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया डी एक्स अपॉन डी टी और हमने फाइंड कर लिया डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, अब देखें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए हम इन्हीं दो रिजल्ट्स को यूज करेंगे। देखें आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये एक इक्वेशन के इक्वल होगा जिसमें आप एक प्रोडक्ट को यूज करेंगे। आपको वाई न्यूमरेटर में चाहिए ना, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखें डी वाई अपॉन डी टी, इससे ये होगा कि आपका डी वाई आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है और नीचे डी टी आ रहा है। दूसरा आपको डी एक्स आपके डिनोमिनेटर में चाहिए, तो आप डी एक्स यूं लिखें और डी टी को आप इस तरह लिखें। तो ये जो मैंने दूसरा वाला पोर्शन लिखा है ना, इसमें आप समझ लें कि मैंने डी एक्स अपॉन डी टी को रेसिप्रोकेट करके लिख दिया है। अच्छा, अब आप क्या करें, अगले स्टेप में इसकी वैल्यूज पुट करें। डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, ये रहा तो मैंने इसकी जगह माइनस टू लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी ये है, लेकिन चूंकि मैंने इसको रेसिप्रोकेट किया ना तो मैं टू टी नहीं पुट करूंगा, वन अपॉन टू टी पुट करूंगा। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर माइनस वन अपॉन टी, ये आपके डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये वाला रिलेशन है जो अभी हमने देखा कि डी वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी की मदद से कैसे फाइंड किया जाए। तो डी एक्स अपॉन डी टी ये आपकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, डी वाई अपॉन डी टी भी नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, बस आपने एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर ये करना है कि ये रिलेशन यहाँ पे यूज करना है जिसमें डी एक्स अपॉन डी टी आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट से और उस प्रोडक्ट में डी वाई अपॉन डी टी आएगा मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे, तो आपको इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर मिलेगा इनकी वैल्यूज पुट करके। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ ठीक है सर, सबसे बिल्कुल समझ आ गया, तीन स्टेप थे। हाँ बिल्कुल।
अच्छा आप सेकंड पार्ट इसमें कह रहे हैं कि फाइंड सर मैं बस ऐसी मेरे ज़हन में आ रही थी बात, अगर ये फिगर ड्रॉ करनी हो तो जो आउटर एरिया है बस उसको मेजर करना है, यही है ना पेरीमीटर? नहीं नहीं पेरीमीटर नहीं है, ये पैरामीटर है। पैरामीटर असल में एक लेटर होता है, पैरामीटर जो होता है ना वो एक लेटर होता है और आपके वेरिएबल्स उस लेटर की फॉर्म में डिफाइंड होते हैं। इसमें एरिया या पेरीमीटर का कोई काम नहीं है। जैसे मैंने जो दो इक्वेशंस लिखी है ना इससे पहले, उसमें मैंने बताया कि टी आपका एक पैरामीटर है। पैरामीटर भी वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन आपके असल जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट नहीं होते, किसी तीसरे लेटर की फॉर्म में डिफाइंड हुए होते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर टी इज इक्वल टू 2। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए आपको दो चीजें करनी होगी। जैसे अगर मैं ये फॉर्म लिखूं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, तो आपको एक पॉइंट चाहिए होगा x1 y1 और आपको ग्रेडियंट चाहिए होगा। तो ग्रेडियंट के लिए तो हम यूज कर लेंगे इसको dy वाई अपॉन डी एक्स को, और पॉइंट हम निकालेंगे जो हमें वैल्यू गिवन है ना उसकी मदद से, t की जो वैल्यू गिवन है। तो t की जो वैल्यू हमने यूज करनी है वो 2 यूज करते हैं, तो पॉइंट भी हमें चाहिए t इज इक्वल टू 2 पे और ग्रेडियंट भी हमें चाहिए t इज इक्वल टू 2 पे। अच्छा इसके लिए हम ये करते हैं सबसे पहले कि आपके पास t इज इक्वल टू 2 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, ताकि हमें पॉइंट मिल जाए। तो इक्वेशन 1 में था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वेशन 2 में था y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टी। अब जहाँ t आ रहा है वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे तो आपका x आपको 4 मिल गया। इसी तरह से आपने यहाँ पर 5 माइनस 4 से y का आंसर 1 निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट है x कॉमा y या x1 कॉमा y1 वो आपके पास 4 1 आ गया। अच्छा ग्रेडियंट आपको चाहिए, तो ग्रेडियंट मिलेगा जब आप dy अपॉन dx में t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो वो आपके पास आया था माइनस 1 अपॉन t और t की जगह आपने 2 पुट कर दिया तो ग्रेडियंट आपका माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। अब आपने लिखा इक्वेशन की जनरल फॉर्म यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट टाइम्स x माइनस x1 व्हिच इंप्लाइज दैट y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 4। तो 2 को हम यहाँ मूव कर लेते हैं, 2y माइनस 2 माइनस x प्लस 4, तो आपके पास फाइनल आंसर 2y प्लस x इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। ये सारा काम वही पुराना है जो हम पहले से ज्योमेट्री में जानते हैं, जो नई चीज़ है वो ये कि पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है ना, वो असल आज का टॉपिक था। देखें इन्होंने भी यही किया, इन्होंने पहले x इज इक्वल टू टी स्क्वायर से डी एक्स अपॉन डी टी निकाला, y की इक्वेशन से डी वाई अपॉन डी टी निकाला, फिर एक प्रोडक्ट के जरिए से डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म बना दी, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया, t इज इक्वल टू 2 पे ग्रेडियंट निकाला वो माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, पॉइंट निकाला वो 4 1 आ गया, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को यूज किया और आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको मिल गए। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है कि द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर x इज इक्वल टू, अब की दफा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, y भी आपके पास आ गया और जो एंगल यूज होगा वो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू है। पाई बाई टू का मतलब है कि 90 से
बड़ा होगा एंगल और 270 से छोटा छोटा एंगल होगा। तो इस रेंज के अंदर आपने थीटा की वैल्यू को रखना है इस कंडीशन को यूज करके। अच्छा अब मैं इसको लिखता हूँ x इज इक्वल टू आपकी पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू 1+2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी इक्वेशन 1 है। फिर y इज इक्वल टू 4 tan थीटा, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा जी अब हमें dy अपॉन dx सबसे पहले फाइंड करना है, तो हमने इक्वेशन 1 को लिया और इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर व्हिच इज t। सो d अपॉन dt 1+2 sin स्क्वायर थीटा, इसी तरह इक्वेशन 2 dy अपॉन d अपॉन dt ऑफ y और d अपॉन dt ऑफ 4 tan थीटा। अच्छा अब आपके पास यहाँ पर आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू ऑपरेटर, जब 1 पे अप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, फिर ऑपरेटर मूव करेगा 2 टाइम्स d अपॉन dt ऑफ, अच्छा एक मिनट सॉरी मैं एक चीज गलत कर रहा हूँ, और वो ये कि यहाँ पे dt नहीं है, यहाँ पे जो पैरामीटर है ना वो है असल में थीटा, तो हमें थीटा की फॉर्म में जो है ना इसको रखना है। अच्छा हो गया ये अभी मैंने करेक्ट कर दिया वरना ये आखिर तक ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे पैरामीटर ना थीटा है तो d अपॉन d थीटा हम यूज करेंगे, dx अपॉन d थीटा, d अपॉन d थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा और 4 टाइम्स डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेन थीटा। अच्छा जी अब हम आते हैं ऑपरेटर अप्लाई करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल, ऑपरेटर ना पहले इस पावर पे अप्लाई होगा तो पावर कोफिशेंट बनेगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद ऑपरेटर बेस के लिए मूव होगा, आपकी बेस होगा। फिर डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अब यहाँ पे पावर नहीं है तो ऑपरेटर डायरेक्टली टेन पे अप्लाई होगा, तो टेन का आंसर आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और फिर ऑपरेटर एंगल के लिए मूव होगा और एंगल में सिंपल थीटा है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा is equal to 4 sin theta और sin के आंसर में cos theta आता है, ये आपके dx upon d theta का आंसर हो गया। ये पहली इक्वेशन या पहला आंसर हो गया और दूसरा आंसर हमारे पास आएगा dy upon d theta is equal to 4 secant square theta। पिछले क्वेश्चन में पैरामीटर t था तो हम t के लिहाज से काम कर रहे थे, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है तो हम सारा काम थीटा के लिहाज से कर रहे हैं। अच्छा जी अब नेक्स्ट में हमें dy अपॉन dx लिखना है, तो ये एक प्रोडक्ट के इक्वल होगा, dy न्यूमरेटर में चाहिए तो आप dy अपॉन d थीटा लिखेंगे, dx आपको डिनोमिनेटर में चाहिए तो आप इसको रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे। इसका आंसर आपके पास आया था 4 secant square theta और इसका आंसर आपके पास आया था 4 sin theta cos theta, उसको मैं 1 upon में करके लिखता हूँ 4 sin theta cos theta, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और secant square जो है उसको हम 1 upon cos square theta लिख सकते हैं और यहाँ पर है sin theta cos theta, इसका मतलब है कि dy upon dx का फाइनल आंसर हम 1 upon sin theta cos cube theta ये लिख देंगे। ठीक है ये आपका dy upon sir, dx ये आपने इसको 1 upon क्यों कर दिया cos को,
कॉस को 1/2 सेकंड स्क्वायर को कह रहे हैं, हाँ सॉरी सेकंड स्क्वायर को। हाँ असल में देखें सेकंड जो होता है ना ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है या कॉस इसका रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आप सेकंड को कॉस में करेंगे तो इस तरह रिप्लेस करेंगे। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगी ना, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी को हम यूज करते हैं इस तरह, मैं लिख रहा हूँ इफ टेंजेंट इज वर्टिकल लाइन देन ग्रेडियंट इज इंफिनिटी, इसका मतलब होगा कि ग्रेडियंट 1/0 होगा। इंफिनिटी उस वक्त आंसर आता है जब कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसकी जगह जो है ना डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे ग्रेडियंट की जगह, इसको 1/0 से इक्वेट करेंगे और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/0 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो साइन थीटा cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब AS में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी ना, अब वो यहाँ पे यूज होगा। साइन हमने देखा था कि cos के एक्सिस पे ना 0 देता है, ठीक है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री इन दो एंगल पे साइन 0 देगा। तो अब आपकी जो रेंज है वो ये है कि आपका जो थीटा है इट शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 270। तो 0 वाला आंसर तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 180 डिग्री जिसको अगर मैं रेडियंस में लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो पाई रेडियंस इस फैक्टर से हमें आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है और cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 को अगर हम क्यूब रूट ले लें दोनों साइड्स को तो इसका मतलब होता है cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos साइन के एक्सिस पे ना 0 देता है, साइन का एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो आपके पास 90 और 270 का एंगल बनेगा। अब आप 90 और 270 ये दो आंसर्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ कि इन दोनों को इंक्लूड किया है या नहीं, हाँ नहीं किया। तो ये कह रहे हैं कि देर आर नो सॉल्यूशंस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इन दिस रेंज, क्योंकि वो 90 खुद भी शामिल नहीं है, 270 भी शामिल नहीं है, तो थीटा के लिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं बन सका। तो इसका मतलब है कि थीटा की आपको एक ही वैल्यू मिली है इसको सॉल्व करके ना, और वो ये कि थीटा शुड बी पाई। अच्छा अब इसको पॉइंट हमें बनाना है तो हम इसकी वैल्यू को ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में आपके पास था x इज इक्वल टू 1+2 साइन स्क्वायर थीटा, सो x इज इक्वल टू 1+2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह हम पाई लिख देते हैं, तो आपके पास x इज इक्वल टू 1+ साइन 180 का आंसर जो है ना वो 0 आता है, सॉरी पावर में हमें स्क्वायर लिखना, तो x इज इक्वल टू 1+2 0 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि x का आंसर 1 बन जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन 2 में देखते हैं y इज इक्वल टू 4
tan theta, और theta का मतलब यहाँ पर pi है. तो tan 180 का जो आंसर आता है वो आता है जीरो, क्योंकि tan 180 sin 180 अपॉन cos 180 होगा तो वो जीरो अपॉन माइनस वन बनेगा, तो इसका भी आंसर जीरो देगा. तो आपके पास यहाँ पर जीरो आंसर आ गया y के लिए. अब अगर हम पॉइंट बनाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट तो वो बनेगा 1, 0. तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो ग्रेडियंट है टेंजेंट का वो पैरेलल टू y एक्सिस होने की वजह से अनडिफाइंड होगा. द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस इज 1, 0. ठीक है, तो शुरू में डिफ्रेंसिएशन है जो कि पैरामीटर के लिहाज से होगी, बीच में ये नई चीज है, नया रिलेशन है जो यूज करके dy / dx आएगा, इसके आगे पीछे का सारे का सारा काम जो है ना वो पुराना है, कोई नई चीज हम इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे होंगे. तो मेरे ख्याल में आसान है, तो इसमें मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए. ये मैंने दो एग्जांपल्स आपके लिए सॉल्व किए.